आरजेडी के मंच से हम आपको एक से एक धुरंधरों की बातें आप तक सुनाने जा रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हैं। बोचहा में आरजेडी ने क्या असल मायने में आज से बिगुल फूका? बोचहा आरजेडी के ही खाते में जाएगा, बोचहा की सीट, और बोचहा के लोग जीवंत हैं। यहाँ पे कॉमरेडों की धरती रही है पुरानी, और लोग समझते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों की सुध आरजेडी ही ले सकता है, इसलिए आरजेडी की जीत होगी। एक से बढ़कर एक एनडीए गठबंधन के तरफ से धुरंधरों को पंचायत लेवल पर उतारा गया है, कैसे निपटिएगा, क्या रणनीति? वोट यहाँ के लोगों को देना है, और यहाँ के लोग सजग हैं। धुरंधरों के धुरंधरी बात में आने वाले नहीं हैं, ये जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी ने क्या किया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए महागठबंधन भारी जीत दर्ज करेगा। आइए अब हमारे साथ अगला श्याम रजक जी हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आज का यह कार्यक्रम से क्या लग रहा है, कितने की उम्मीद थी जनता का? जनता की जो बाढ़ देख रहे हैं, इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अमर पासवान भारी मतों से विजयी बनेंगे। देखिए एक से बढ़कर के एक, कहिए कि अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले जितने भी धुरंधर थे सबको इधर बैठा दिया गया है, एनडीए की तरफ से भेज दिया गया है। इस क्षेत्र की हरेक कार्यकर्ता, हरेक नागरिक, हरेक मतदाता वो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, और वो खुद अपने आप में अमर पासवान और तेजस्वी यादव, लालू यादव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोगों की जब पूरी जमात है, ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग आ करके थे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आएंगे और जाएंगे। यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था, इससे प्रताड़ित हो चुकी है। ये प्रताड़ना का जवाब 12 तारीख को वोट में अमर पासवान के पक्ष में दुख देने का काम है। कैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ, एक बयान मात्र आपसे। चले नहीं, चले नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में। चलिए और आप कैसे कैसी हैं मैम? आज दूसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है बोचहा को लेकर के, एक नामांकन में एक आज, क्या लग रहा है आरजेडी का प्रभाव? ये तो आप यहाँ का भीड़ देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं आप तो। किसी ने जिलाध्यक्ष, किसी ने रोका नहीं हमें, इसलिए हम आ गए। ले लीजिए, आ गए। नहीं, एक एक आप बस सवाल बता दीजिए, आपके लिए भी नया चेहरा और ये जनता का पहला हुजूम। देखिए नया चेहरा कुछ नहीं है, मुसाफिर पासवान जी हम लोग के पहले भी एमएलए थे, और मुसाफिर पासवान जी की यहाँ की जनता ने 5 साल के लिए जिताया था। बीच में आकाशमान मृत्यु उनकी हो गई थी, उनके बेटे को सब लोग पसंद कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़का है। पक्ष में थे, अब विपक्ष में है? नहीं, कोई पक्ष अब विपक्ष नहीं है, इस बार सब लोग उनको समर्थन कर रहा है। चलिए ये भीड़ आप देखते रहिए फिलहाल, और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ दिखा दीजिए एक बार, और ये तमाम जो अभी हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कैमरे पर, पीछे उधर दिखा दीजिए, इधर आकर के दिखाइए जरा, और ये तमाम जो है आरजेडी की रैली का ये एक प्रभाव है, और आरजेडी क्या कहिए, महागठबंधन की रैली का प्रभाव है, और ऐसे में यह गठबंधन की रैली कितना असरदार होती है, कितना वोट बैंक को अपने आप में तब्दील कर पाती है, ये आने वाला 12 तारीख का वो वोटिंग वाला समय बता पाएगा। जो कुछ भी होगा हम आगे का पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं, आ जाएंगे, उसके बाद का असली खेल शुरू होगा। आते हैं, क्या कहते हैं, किन मुद्दों के साथ जनता को संबोधित करते हैं, और खास तौर पर अति पिछड़ा इलाका, यानी सुरक्षित सीट ही नहीं बल्कि अति पिछड़ा इलाका भी है, इलाके को मामले में इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि इसको उबारने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ में अभिषेक तिवारी, वो चाहा।